यूपी के प्रतापगढ़ की घटना कितना शर्मनाक है उसकी एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। सोचिए विश्वकर्मा समाज ओबीसी की फैमिली पर किस तरह से कहर टूटा है। दिन दहाड़े लाठी लेके गुंडे, मवाली, देशद्रोही, संविधान विरोधी लोग किस तरह से महिलाओं के सामने, इस वीडियो देखिए, पहले घर तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, और जब पुलिस आती है तो उसी परिवार को ले जाते। अगर उस परिवार ने कोई अपराध भी किया है तो ये सजा देने के हक किसने दिया है? आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, कोर्ट सजा तय करेगी। ये जातीय हिंसा जो है ना इस देश में रुकनी चाहिए। कब तक चलेगा ये जातीय हिंसा? कब तक चुप बैठेंगे आप लोग? लगातार सोशल मीडिया पर इस खबर को दिखाया जा रहा है। मैं जानता हूँ टीवी अखबार ये खबर नहीं दिखाएंगे, मैं जानता हूँ बहुजनों के लिए खबर नहीं है, इस देश की टीवी और मीडिया के लिए सिर्फ चुनाव 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 और वो भी बीजेपी खबर है। लेकिन हमारी लगातार जिम्मेदारी रहती है कि हम इस तरह की चीज़ों को आप तक लाएं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोग जब तक टीवी देखना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके समाज के साथ यही होता रहेगा। और कब तक आप लोग इस तरह से अपनी जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? सोचिए, छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं नक्सली हमले में, 22 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन वहाँ के जो CM है वो अभी भी कांग्रेस बीजेपी की तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस या बीजेपी, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती है। तो बहुत ही घटना दुर्घट, लेकिन बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, ये देखिए, सूरज कुमार बोस ने लिखा है, इन प्रतापगढ़ UP विश्वकर्मा फैमिली OBC वाज अटैक्ड बाई कास्टिस गुन। ये देखिए, विनय रतन सिंह भीम आर्मी ने इस वीडियो को शेयर किया है। ये तस्वीरें देखिए, मिशन अम्बेडकर ऑन ट्विटर ने शेयर किया है। इस वीडियो को देखिए, किस तरह से दर्दनाक तरीके से हमला किया जा रहा है, पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन TV अखबार नहीं दिखाएगा। बहुजनों को ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वही इस समय की दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि ताजमहल समेत 100 ऐतिहासिक धरोहरों को, इमारतों को लीज देने की बात जो है वो सरकार कर रही है। तो सोचिए कि अब निजीकरण से मसला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, और ये किन लोगों को दिया जाएगा वो भी समझने वाली बात है। ये किन लोगों को दिया जाएगा आप समझ सकते हैं। इन लीज में एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का अधिकारी नहीं होगा। ये सब के सब कौन लोग होंगे ये सब आप जानते हैं, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस देश को गुलाम किया जा रहा है, बहुजनों के सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स तथा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को लीज पर देने की तैयारी है। केंद्र सरकार खेल स्टेडियमों, राष्ट्रीय उद्यानों और ऐतिहासिक भवनों को लीज पर देकर लगभग 25,000 करोड़ रुपये कमाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी है। सूत्र के अनुसार देश के लगभग 100 ऐतिहासिक भवन, जिनमें ताजमहल, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा महल शामिल है, चिन्हित किया गया है। सरकार की इस योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। तो ये कांग्रेस अब हमला बोल रही है, इनको नहीं पता है कि सारी करतूत इन्हीं की है। बीजेपी उसको दिन में खुलेआम कर रही है। तो सोचिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर किस तरह से हमला हो रहा है। प्रतापगढ़ की घटना है, कितना शर्मनाक है, और हम सब के सब चुप बैठे हैं, क्योंकि हम 90% हैं, लेकिन डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, रीढ़हीन लोग हैं। क्या करने की जरूरत है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।